आंटी झूला लगा लो, एक दो रस्सी बांधो झूला। पहले हम यहाँ झूला झूलते थे इन पेड़ों पे। हाँ जी, इधर इधर बांधी, पहले ऐसे बनता था, एक रस्सी इधर बांधी और बीच में चौकी। और मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। लाइक जरूर करना प्लीज़, हाँ, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो कर देना प्लीज़ फ्रेंड्स। इतना वर्क हो चुका है इतना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मॉर्निंग का टाइम है, 9:30 बज रहे हैं, और इस समय ना मैं यहाँ पे आ रखी हूँ। कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ना यहाँ पर, मैं थोड़ा सा देखने के लिए आई थी, मुझे बुलाया गया था। सेप्टिक नहीं, सेप्टिक टैंक नहीं, सोखता, किचन का सोखता बनाया जा रहा है आज, तो उसकी डायरेक्शन देखने के लिए मैं यहाँ पे आई थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बनाऊँ और आज आपको दिखाऊँ कि घर, हमारा घर कितना बना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी फ्रेंड्स आपसे, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर अच्छे लगे आपको, और प्लीज़ 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 चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी ना दीवारों का काम चल रहा है, प्लास्टर हो रहा है। चलिए दिखाती हूँ अभी आपको कि कितना बना है हमारा घर। और बड़ी खुशी सी हो रही है, होती है ना जब घर बनता है तो बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। सो आई एम वेरी हैप्पी, फीलिंग हैप्पी। तो ये देखो आप, इतना ये बना है, इतना हो गया है तैयार। और वर्क अभी चल रहा है, प्रोसेस प्रोग्रेस में है, वर्क इन प्रोग्रेस। ये देखिए, ये सेकेंड डोर है किचन। और मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये है किचन, यहाँ पे गैस आएगा, यहाँ पे चूल्हा आएगा, ये लग गया है यहाँ पे बर्तन धोने की जगह सिंक, यहाँ पे आरो रखा जाएगा। ये किचन एरिया है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है किचन और बहुत छोटी नहीं है, मीडियम साइज़ की। ये देखिए, ये सही है, मुझे मतलब और बड़ी बनाई जा सकती थी ये दीवार, अगर ना होती तो ये बहुत बड़ी किचन बनती, अच्छी बनती, बट नहीं, मुझे ऐसे ठीक लगा। और यहाँ पे भी एक बर्तन मांजने की जगह होगी, एक स्लैब आएगा यहाँ पे बस। तो ये है किचन, ये देखिए ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ पे डाइनिंग रूम, यहाँ पे हमारी डिनर टेबल आएगी, इधर इधर कहीं पे भी रख सकते हैं, वहाँ पे भी रख सकते हैं। ये देखिए इतना बना है हमारा, ये हमारा पूजा रूम है, यहाँ पे मंदिर बनेगा, जय श्री राम। तो ये पैसेज एरिया है और वो है ड्राइंग रूम, मेन एंट्रेंस है ये, सेकंड डोर यहाँ से बाहर जाने के लिए, और बैक साइड में वो उधर है स्टेयर्स के नीचे किचन, उधर डाइनिंग रूम, पूजा, और यहाँ पे पैसेज एरिया है। एक बेडरूम ये है, उधर काम चल रहा है बाहर। ये वॉशरूम एक बाहर से बाहर, मतलब गेस्ट के लिए भी रहेगा ये, और ये दूसरा बेडरूम, एक छोटू सा ये चेंजिंग रूम बनाया गया, यहाँ पे अलमीरा आएगी, ये वाला वॉशरूम, यहाँ पे अलमीरा आएगी एक। इस वाले कमरे में ना अलमीरा नहीं दी गई है, आंटी झूला लगा लो, एक दो रस्सी बांधो झूला। पहले हम यहाँ झूला झूलते थे इन पेड़ों पे। हाँ जी, इधर यहाँ पे भी, आप भी देखो कितना अच्छा वो टहनी है। अच्छा, नहीं वो जो पेड़ नी वाला नहीं आ रही टहनी, इसमें दो रस्सी, एक रस्सी इधर बांधी, पहले ऐसे बनता था, एक रस्सी इधर बांधी और बीच में चौकी फटा उसका लकड़ी का, और खूब झूला झूलो। हम पहले बहुत झूलते थे जब हम छोटे छोटे बच्चे थे। आप डाल दो, मैं झूल लूंगी। तो यहाँ पे ना अंकल आंटी रहते हैं, और मैं तुम्हें यहाँ पे ना आंटी से बात कर रही हूँ। आंटी बैठी हुई हैं, काम भी करा रही हैं, और फिर बीच में फिर रेस्ट कर लेती हैं पेड़ों के नीचे। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, पेड़ हैं और शोर शराबे से दूर, बिल्कुल नेचर के पास में, बर्ड्स की वॉइस है, तो यहाँ पे ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून सा मिलता है यहाँ पे। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो पीछे से मुझे अपनी बॉल के साथ खेल रहा है। यहाँ पे झूलते थे यहाँ पे ऐसे, इसमें
और एक इसमें यहाँ पे वो कार्ट रखा, उधर यहाँ पे डलता था झूला, और इसमें यहाँ पे आम लगते हैं, बहुत लगते हैं। देखिए 2 साल छोड़ के लगते हैं, 2-3 साल के। हाँ, इस साल नहीं लगे, देखो फूल आए बहुत कम, मेरे ख्याल में 2-3 साल पहले लगे थे, पता नहीं, मैं नहीं थी यहाँ पे। अच्छा, अगर ऐसे सोचेंगे तो फिर हवा कहाँ से आएगी? अगर पेड़ों से पत्ते गिरते हैं और हवा वो गंदा होता है, तो आप हवा का सांस कहाँ से लेते हो? बताओ बताओ, सांस कैसे लेंगे? हाँ जी बताइए। फिर छाया, देखो अभी आप यहाँ बैठे हो पेड़ की छाया के नीचे, अगर ये पेड़ नहीं होता तो छाया कैसे लेते? गलत कह रही हो कि सही कह रही हो? फिर हाँ लगा देंगे, कह रहे पेड़ों से गंदा होता है। और देखो अभी डांट पड़ जाएगी अंकल से, आपके मालिक।